नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 5 लुटेरों ने गांव क्रीतपुर में परिवार वालों को बंधक बना करके 4 लाख रुपए ले उड़े। पुरुष सरपंच जसवीर सिंह जस्सू को घायल कर वारदात को दिया अंजाम। पुरुष सरपंच को घर में के बाथरूम में बंद कर सिर पर गहरी चोट करके 4 लाख रुपए ले उड़े। जी हाँ, लुटेरों ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे और 5ों लुटेरे होने हाथों पर पिस्टल रख करके वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे बड़े ही शातिर थे। रात को 10:30 घर की बैल बजाई गई। अंदर से आई मनदीप कौर ने दरवाज़ा खोला और लुटेरों ने कान पर पिस्टल रख करके सभी परिवार वालों को घर के अंदर ही बंधक बना दिया और लगभग 4 लाख रुपए की लूट करके घर से फरार हो गए। वहीं पुरुष सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रात को करीबन 10:30 जब पुलिस को फ़ोन किया गया तो लगभग पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। पुरुष सरपंच ने पुलिस को बताया कि गांव का ही एक लड़का लुटेरों में शामिल है, लेकिन पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की है। अब गांव के कुछ लोग पिंजौर थाने में शिकायत लिखवाने के लिए गए तो पुलिस के एक अधिकारी ने शिकायतकर्ता को धमकाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं पल पल से मैनपाल काठवाल की एक खास रिपोर्ट। थाने के दरवाजे को लॉक लगाया, लॉक लगा के बोले अब निकल के बताओ मेरे को यहाँ से। मौके का मैं सरपंच रहा, मेरे नाल मौके के बंदे मौजी जी, हमारे सारे बंदे कहे अब निकल के बताओ। चोट लगी भी, जब मैंने कहा कोई बात नहीं आप सुबह कर लेना कार्रवाई, तब जाके उसने गेट खोल लिया। उसकी आप बकायदा जो थाने का कैमरा उसको चेक कर सकते हैं। सानू अंदर होने के बाद उसने उसको कुंडी दिलाई। मतलब चोरी आपकी, आपको अंदर बंद कर दिया। मतलब थाने का उन्होंने मेन दरवाजा बंद कराया, फिर कैसे निकलेंगे आप बताओ। पुर में घटना हुई है उसके बारे में बताइए। रात को जो है आज एक एप्लीकेशन जो है एक सरपंच ने दी है कि भाई जो है मेरे घर में जो है 5 लोग आए, उनके पास जो है वेपन थे और उन्होंने जो है सरपंच के सिर में चोट भी मारी है तो उनको बंद कर दिया, उसके घर वालों को भी उसको भी। और वहाँ पे जो पैसा कैश रखा हुआ था उसको और जो ज्वेलरी थी तो उसको लेके वो चले गए हैं। तो अभी एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है तो उस पर FIR लॉन्च करें। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो है होपफुली जल्दी ही जो है कोशिश रहेगी कि इसको ट्रैक करें।